हाय गाइड्स, आपका ऑटो लिंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। गाइड्स, आप लोग को मालूम है कि 15 अगस्त को जो है घमासान मचने वाली है और तीन मूवी जो है बॉलीवुड की और साउथ की मूवी आने वाली है। और इस पे जो है तीन मूवी जो आने वाली है, बड़ी बड़ी मूवी आने वाली है, स्त्री 2, खेल खेल में और वेदा। ये कितने कलेक्शन पहले दिन की कमाई करने वाली है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए क्रेजी हम में हमारे साथ एक्सपर्ट सूर्या सर मौजूद हैं। चलिए मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। सूर्या सर जी। सर कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर। आपका स्वागत है ऑटो वाले अंकल में। और क्रेजी हम में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तीन बॉलीवुड की मूवी आने वाली है बड़ी बड़ी, और ये बॉलीवुड की मूवी क्या कितना पहले दिन की कलेक्शन करने वाली है और कितना जाने वाली, मैं उससे और पब्लिक आपसे जानना चाहता हूँ। सर आप तो मार खिलाने वाला सवाल पूछ रहे हो अशोक सर। तीनों फिल्म का अगर मैं प्रेडिक्शन बता दूँ, हाँ, और पब्लिक मानती भी है मुझे, पब्लिक तो बोले ये लगता है इसका इसके चैनल को अनफॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं है कि पब्लिक जो है, लेकिन पब्लिक आपकी ओपिनियन जानना चाहती है कि पहले दिन का जो है, सबसे पहले मैं जाऊंगा एक बड़े स्टार की मूवी है खेल खेल में, उसका ही मैं जानना चाहूंगा कि वो पहले दिन कमाई कितना। पहले गाली और तुरंत गाली मेरे को ही पड़े वैसे। देखो मैं बताता हूँ, इनसे तो मजाक अपनी जगह मैं बताता हूँ। खेल खेल में क्या बात कर रहे हो, खेल खेल में का क्रेज बिल्कुल नहीं है और वेदा का भी क्रेज बिल्कुल नहीं है। हाँ सर, एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ, दोनों ही फिल्मों का क्रेज़ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी फिल्म है स्त्री 2 का, उसका क्रेज़ इन दोनों फिल्मों से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है। अच्छा, ये आप समझिए। अच्छा, और अक्षय कुमार की पिछली कुछ फिल्मों के बारे में अगर हम ना ही बात करें तो अच्छा है उसके कलेक्शन के, क्योंकि आई नहीं कलेक्शन तो क्या बात करें। सही बात है। अच्छा, ओपनिंग घटिया से घटिया ली है सभी फिल्मों ने। हाँ, जैसे पिछली फिल्म सरफिया ने 2.5 करोड़ की ओपनिंग ली है। अच्छा, हाँ। और मुझे यहाँ लगता है इंडिपेंडेंस डे है, उसका फ़ायदा फिल्म को मिलेगा, लेकिन सरफिया को स्क्रीन काफ़ी मिली थी 2500, फिर भी उसका कलेक्शन कितना है 2.5 करोड़। यहाँ पर कुछ अगर 1200-1300 स्क्रीन लग रही मिलेगी खेल खेल में, मुझे लगता है ये फिल्म ज़्यादा नहीं कमाएगी सर। पहले दिन अगर ये फिल्म 5 करोड़ के आसपास जाती है तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। 5 करोड़ अभी अच्छा, वो जल्दी ही कहना, लेकिन मुझे लगता है 5 करोड़ तक इस फिल्म को जाना चाहिए इंडिपेंडेंस डे के दिन। अच्छा, ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 5 करोड़। और वेदा सर? वेदा क्योंकि एडवांस बुकिंग अभी तक किसी की हुई नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग को ओपिनियन नहीं है, इसलिए मैंने 5 करोड़ बोला। शायद ऊपर भी जा सकता है, नीचे नहीं ऊपर जाना चाहिए। वेदा का मुझे लगता है, वेदा जिस हिसाब से फिल्म है, वर्ड ऑफ माउथ इसका बहुत मैटर करने वाला है। खेल के मैटर करने वाला, वर्ड ऑफ माउथ मतलब पिक्चर कैसी है, पब्लिक क्या बोलती है, वो बहुत मैटर करने वाला। अच्छा, है हाँ, हाँ। यहाँ पे ये फिल्म का इसका भी प्रेडिक्शन ज़्यादा दूंगा नहीं मैं, 4 से 5 करोड़ इसका। अच्छा हाँ, इसका। और अब आती है हमारा जो है दिनेश विजन की एक मूवी जो सबके दिलों में छा रही है, स्त्री 2, उसके बारे में क्या कहें? देखो उसका टिकट प्राइस ना आसमान पे है, मतलब ऐसा देखना पड़ेगा, इतना महंगा टिकट है, बहुत महंगा टिकट है। तो पेड प्रीव्यूज़ जो रात को 9:30 बजे 14 तारीख से शुरू हो चुके हैं इस फिल्म के स्त्री 2 के, उसे भी कलेक्ट किया जाएगा फर्स्ट डे के कलेक्शंस में, जैसे मैदान का कलेक्ट किया गया था। अच्छा, मैदान ने पेड प्रीव्यूज़ में 2.5-2.25 करोड़ की कमाई की, तो मुझे लगता है ये पेड प्रीव्यूज़ में ये 2 से 3 करोड़ की कमाई ये कर ही लेगी। और फर्स्ट डे की बात करें तो फर्स्ट डे भी इसका रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है, पिछले पहले 24 घंटों में इसने 45,000 के ऊपर टिकट बेचा है। अच्छा, एडवांस बुकिंग इसकी तगड़ी है। हाँ, पहले दिन का इसका जो कलेक्शंस आएगा वो मुझे लग रहा है 20 करोड़ के नीचे नहीं है। क्यों भाई? 20 करोड़ के ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। क्यों जाएगा इतना, 20 करोड़ क्यों? टिकट प्राइस ज़्यादा है अशोक सर, टिकट प्राइस ज़्यादा है। हाँ, और इंडिपेंडेंस डे का छुट्टी का पूरा पूरा फायदा इस फिल्म को मिलेगा। अच्छा, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। और पेड प्रीव्यूज़ से भी 2-3 करोड़ कमाएगी, तो उसको जोड़ के मैं बोल रहा हूँ 20 करोड़, ये तो मैं भी 17-18 बोलता। मतलब ये है कि आपकी मैं बात से सहमत हूँ कि मतलब ये जो है दिनेश विजन ने अपना खेला खेल लिया। एक चीज़ सिर्फ इस फिल्म के अगेंस्ट में जाएगी, अगर ये फिल्म अच्छी नहीं बनती है हाँ, तो इसका हाँ, फायदा दोनों ही फिल्मों को होगा, बाकी दोनों फिल्मों को। अच्छा, तो भाई ये फिल्म आराम से क्लैश के बावजूद मुझे लगता है 20 करोड़ तक जा सकती है, दम है इसमें। अच्छा अच्छा, और ये बॉलीवुड के लिए अच्छी बात ही होगी, गलत बात नहीं होगी। तो गाइड्स आप देख सकते हैं हमारे सूर्या सर ने जिस तरह से ओपिनियन रखी है, इन्होंने पूरा का पूरा जो है मतलब दिनेश विजन को क्रेज़ दे दिया है, क्योंकि दिनेश विजन जो है अब जो है सबके हर एक पब्लिक के ऊपर दिनेश विजन का नाम है। और एडवांस बुकिंग जिस तेज़ी से चालू है सर जो है उसी तेज़ी से बता दिए हैं कि इसका क्रेज़ ज़्यादा रहने वाला है, और भी ज़्यादा जा सकता है, भरोसा नहीं, इससे भी ज़्यादा पब्लिक को अच्छा पिक्चर चाहिए। हाँ, तो कंटेन अगर रही तो इसके भी और भी बढ़ सकते हैं। और कुछ
मैं यही बोलना चाहता हूँ, जैसे कि C2 का पेड प्रीव्यूज़ का टिकट का दाम अगर आप सुन लोगे ना, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2200, हाँ ऐसे टिकट के दाम रखे गए भाई। अरे वाह, उसके बावजूद पब्लिक पागलों की तरह खरीद रही है। तो अगर एक टिकट हाँ जो हम 150 में खरीद रहे हैं, वही टिकट हमको 600 में भी खरीद रहे हैं, 800 में खरीद रहे हैं, तो पिक्चर कलेक्शन दुगना तिगना होगा कि नहीं होगा? होगा होगा, इस फिल्म का भी तो दबा के आएंगे इसके। तो गाइड देख सकते हैं कि स्त्री 2 का जो है कलेक्शन जबरदस्त 20 करोड़ बता रहे हैं सर। तो गाइड्स क्रेजी हमें ये आपको चर्चा कैसे लगा, बस मैं ये चाहूँगा बॉलीवुड क्रेजी और ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय।